आखिर दोस्त ऐसे क्या हुआ जिसकी वजह से जॉनसन ऑडियंस के अंदर जाके सबसे गले मिल रहे थे? आप लोग भी दोगे ना तो आप लोग भी चौक जाओगे। बात है 2015 की रॉक जब जॉनसन ने बस सेथ रॉलिंस बिग शॉट केन के अंदर एक 3-on-1 हैंडीकैप मैच चल रहा था। उस मैच के दौरान जॉनसन अकेले तीन रेसलर को अच्छे खासा टक्कर दे रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वो इन लोगों के सामने थोड़ा सा फीका पड़ जाते हैं। फायदा उठाते हुए बिग शॉट रिंग के बाहर ही जॉनसन को खतरनाक सा स्पेयर दे देते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस फिर से जॉनसन को रिंग के अंदर ले आते हैं और अपने फिनिशर कार्फ स्टॉम जॉनसन को देने जा रहे थे कि तभी उधर पे स्क्रीन पर स्टिंग का वीडियो प्ले होता है। ये देख के सेथ रॉलिंस बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर स्टिंग उधर पे आने लगते हैं। स्टिंग उधर पे आने के बाद बिग शॉट केन और ट्रिपल एच दूर में उनके सामने खड़ा हो जाते हैं। तभी स्टिंग हाथ से रिंग की तरफ इशारा करते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के जॉनसन पीछे से रोल अप करके सेथ रॉलिंस को काउंट करके इस मैच को जीत जाते हैं। जीतने के बाद ही दौड़ के ऑडियंस के अंदर जाके सबसे गले मिलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों पिक्चर यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है। जॉनसन ऑडियंस के बीच चले जाने के बाद उधर से स्टिंग भी चले जाने लगते हैं। तो ट्रिपल एच माइक लेकर स्टिंग को उधर पे फिर से आने के लिए बोलते हैं। दोस्तों स्टिंग उधर पर नहीं आते हैं। उधर पे आने लगते हैं तो बी स्टिंग और ब्रॉक लेसनर और पॉल हीमन। हम सभी को तो पता है कि ब्रॉक लेसनर जहाँ पर होगा वहाँ पर सिर्फ दवाई होगा। वैसे ही ब्रॉक लेसनर रिंग पर आते सेथ रॉलिंस पे टूट पड़ते हैं। तभी केन और बिग शो मिलकर ब्रॉक लेसनर को रोकने लगते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर तभी केन को पकड़ के खतरनाक से F5 दे देते हैं। फिर से सेथ रॉलिंस को मारना शुरू कर देते हैं। फिर से बिग शो ब्रॉक लेसनर को रोकने लगते हैं। ब्रॉक लेसनर बिग शो को पकड़ के खतरनाक से F5 दे देते हैं। इसी मौके पर चौंकाते हुए सेथ रॉलिंस उनके सिक्योरिटी गार्ड से भाग जाते हैं।